अदानी अहमदाबाद माराथन सप्तम संस्करण नवंबर 26 तारिखर होगाक माराथन अहमदाबाद साबरमती नदी सम्मुख पाल्डी स्पोर्ट्स पार्क आरंभ हो शेष हो देशर आथलेटिक कैलेंडर यह बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम पर सेप्टेम्बर 21 तारिख पंजीकरण आरंभ हो माराथन अंशग्रहण करने को कैटेगरी मध्य अदानी हैशटैग रन फर आवर सोल्जर्स फुल माराथन 42.195 किलोमीटर हाफ माराथन 21.097 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ एवं 5 किलोमीटर दौड़ अदानी अहमदाबाद माराथन जहाँकि आसोसीएसन अफ इंटरनेशनल माराथन आंड डिस्टान्स रेस्र स्वीकृतिप्राप्त जहाँ उपसभापति और टेक्निकल डायरेक्टर होती देवकुंडी जिके अस्ट्रेलिया सबुठ अभिज्ञ माराथन डायरेक्टर 30 वर्ष हो कानबेरा माराथन रेस डायरेक्टर रही से अहमदाबाद माराथन केवल समस्त मेडल जितबार सुजोग दे न थाए देश उद्देश्य सेना को दान कर सुजोग मिली माराथन में अंशग्रहण करोगी सेना को सहायता स्वास्थ्य सेवा शिक्षा परेश विपर्य प्रशमन एवं थैथान एकता सहभागिता और एनजीओ दक्षता प्रति महत् कार्य निजर योगदान करें माराथन दौड़े अंशग्रहणकारी चैरिटी बीप चयन कर पांठि संग्रह में नियोजित हो पारे जहां आयर एक अंश को मनोनीत कारणगुड़ी बंटन हो माराथन में भारतीय सेना यार केतक प्रभावशाली अस्त्र प्रदर्शन करुवक सशस्त्र बाहन जोगदेक प्रेरणा देव प्रतिवर्ष रजिस्ट्रेशन वृद्धि पाई माराथन केवल एक सुस्थ जीवनशैली प्रोत्साहित करना बर देशर अनेकों जीवन को भल बाट खोली अदानी अहमदाबाद माराथन सप्तम संस्करण पर आम गर्वित बोली अदानी एंटरप्राइजेस निर्देशक प्रणव अदानी आम साहसी जवान सम्मानार्थे माराथन प्रति पादर सेनार बलिदान समाहित बोली मेजर जनरल एसएस ब्रिक अदानी अहमदाबाद माराथन 2023 रेस डायरेक्टर दायित्व मिलथिबारु से बहुत उत्साहित थी देवकुंडी माराथन होछि अदानी ग्रुप्र प्रयास जहाँकि भारत सशस्त्र बाहन साहसिकता प्रति एकतार अभिव्यक्ति नवेम्बर 2017 मसीह आरंभ होता 2021 नवेम्बर सुधा यार पंचम पर्याय पूर्ण कर विश्वर कोण अनुकोण दौड़ाली को आकर्षित कर प्रथम दुईट संस्करण में यह 20,000 लेखाएं प्रतियोगी को आकर्षित करतीय और चतुर्थ संस्करण में 17,000 प्रतियोगी को आकर्षित करता कोविड पर 2021 मसीह कोविड निमानुसार 8,000 रन सामिल होता 2022 रे अहमदाबाद माराथन ग्लोबल माराथन इवेंट लिस्ट स्थान पाइला यह एक अन्य सुजोग प्रतियोगी जे से सेना उद्देश्य से श्रद्धाजलि पारे प्रतिवर्ष 1,000 ऊर्ध जवान अंशग्रहण कर माराथन में होता आयर प्रमुख अंश सेनार कल्याण उद्देश्य जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।